चलो पहुंच गए मंदिर। जय श्री राम। कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। Just like you did, took me by surprise. Hello, good morning and welcome back to my another vlog. राधे राधे। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं आज जा रहा हूँ और मैं हो चुका हूँ बहुत लेट फिलहाल, क्योंकि जब हम रात को सोए थे 4 बजे सोए थे, एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करके अपलोडिंग वगैरह करके सब कुछ, रात के 4 बज गए थे। और अभी सुबह जब उठे ना 6:20 पे उठा था, वो भी मम्मा ने उठा दिया मेरे को, वरना तो मैं बहुत लेट हो जाता। और अभी टाइम देखो पीछे क्या हो रहा है, 6:50 हो गए हैं पीछे। बाकी सब तो ठीक है, मैंने ब्रश व्रश भी कर लिए, अब सिर्फ नहाना बाकी है, नहा लेते हैं फटाफट से। तो मैं मिलता हूँ आपको नहाने के बाद, वरना मैं बहुत ज़्यादा हो जाऊँगा लेट। अब अपन हो चुके हैं रेडी, निकलते हैं घर से। अपन लेट हो चुके हैं आज, 7 बजे निकलता था, 7:10 हो गए। चलो डन है, सब परफेक्ट। अभी अपना बैग वैग अपन रख देते हैं कार में, तो चलो इसको लेके चलते हैं। तो अभी अपन रेडी होके निकल चुके हैं घर से, तो पहले अपन चलते हैं अपने मांगड़वाड़ी हनुमान मंदिर में, वहाँ माथा टेकेंगे, उसके बाद फिर अपन चलेंगे। कहाँ चल रहे हैं अपन? मैंने बताया नहीं अभी तक, कहाँ चल रहे हैं अपन? अपन जाएंगे सबसे पहले सालासर। अपन जा रहे हैं सालासर, तो आज अपन जा रहे हैं सालासर। 5-6 घंटे का रास्ता है यहाँ से हनुमानगढ़ से, तो चलो पहले अपन हनुमान मंदिर चलते हैं फिर अपन चलेंगे सालासर। तो भाई जब हनुमान मंदिर आ गए हैं, तो पहले दर्शन करते हैं भगवान जी के, उसके बाद चलते हैं आगे। अभी हनुमान मंदिर दर्शन तो कर लिए हैं, अब चलते सालासर। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सही मौसम है। कल बारिश आई थी, अब आगे जाके पता लगेगा कि आगे बारिश पड़ रही है या नहीं। अगर बारिश रहेगी तो अच्छे ही रहेगा, मौसम ठंडा रहेगा अपना, वहाँ मौसम ठंडा रहेगा तो अच्छे से घूम भी पाएंगे। अगर गर्मी रहेगी तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब भी मैं सालासर आया हूँ, जब भी मैं कर्तव्यम आया हूँ ना, उस टाइम हमेशा मौसम ठंडा ही रहेगा। बाबा जी का उपकार है आप पे। फिर ये अपन रावलसर आ गए और ये हमारा खेत्रपाल बाबा जी का मंदिर, जहाँ हम दर्शन करने आते होते, जो कि पूरे राजस्थान में ये एक ही मंदिर है खेत्रपाल जी का, जो बड़ा मंदिर है, जो प्रसिद्ध है मंदिर। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो अपन अब ढूंढ रहे हैं मोटर गैरेज, क्योंकि अपने कार का जो स्टीरियो है ना, वो थोड़ा खराब हो गया है। अभी अपन को एक शॉप मिली, तो भैया गए हैं वहाँ पूछने के लिए, तो अगर अपना ये सही होता तो फिर इसको सही करवा लेते हैं। तो भैया भी पूछा है, तो वो कह रहे आगे है मार्केट। चलो शॉप तो मिल गई, भैया आ रहे हैं अभी। तो भैया आए थे ना अभी सही करने के लिए, उन्होंने हाथ लगाया तो सही चल रहा था, और हम पिछले 2-3 बार ट्राई करके देख चुके, हमारा नहीं चल रहा, भैया के हाथ लगाते सही हो गया। अभी तो एक्साइटमेंट हो रही है भाई, पहुंचेंगे वहां जाके दर्शन करेंगे, उसके बाद शाम को मैं तो सो जाऊंगा, कहां हूं मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था मैं कार में जाके सो जाऊंगा, बट मेरे को नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट है ना जाने की, अभी नींद नहीं आएगी, नींद रात को आएगी, जो कल वाली नींद है ना वो भी रात को ही आएगी। पल्लू का टोलन आ गया। जयपुर यहाँ से 247 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से अब सालासर कितनी दूर है? कम से कम 100 किलोमीटर। कम से कम 100 किलोमीटर सालासर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रह गया। अब मेरे साथ से गुलाम अब मेरा आपकी कृपा।
ये देखो ये रहा। ये बहुत अच्छा मंदिर है यार, है ना। चलेंगे यार, कितना प्यारा है ना। बनाते वक्त इस मंदिर में जरूर जाके आएंगे। होटल आ गए, अपन अपने चलते हैं। चलो भाई चले। तो गाइस अभी थोड़ी देर यहाँ पे होटल पे रुकते हैं और कुछ खाते बाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं ना, तो भूख लग गई। तो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और खाना वगैरह खाते हैं और फिर चलते हैं वापस से अपने सफ़र पर। बाकी यहाँ का व्यू चेक करो कितना अच्छा रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। अपन रुके हैं यहाँ पे होटल में खाना खाने के लिए। खाना अपन घर से बनवा के लेके आए थे, वही खाएंगे। और यहाँ से सारा 40 किलोमीटर दूर है, फटाफट से खाना खा के चलते हैं। तो ये रहा अपना खाना, इसको फिनिश करते हैं फिर चलते हैं। खाना डन, अभी चाय आ गई, अपनी चाय पीते हैं। अपन इंतजार कर रहे हैं भाई साहब का, जल्दी से पी ले तो अपन चले फिर। चले अब चलते हैं अपन। टिफिन ले ले भाई अपना, चल कर टिफिन यहीं छोड़ दे रहे। तो अभी अपन ने ली कोक और चॉकलेट, अब चल रहे कार में। चलो बहुत गर्मी है ना भाई, बाहर बहुत गर्मी है ना। क्या गर्मी नहीं लग रही है? गर्मी नहीं लग रही, देखो मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। तो खाना पीना करने के बाद वापस निकल लिया सालासर के लिए। अभी बस थोड़े टाइम में ही पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा दूरी रह गया अब सालासर, जल्दी थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे। एंड बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वहां पे पहुंच के दिखाऊंगा आपको मौसम। बाकी वहां पे देखते हैं कैसा मौसम रहता है, क्या पता बारिश भी हो सकती है। तो चलो भाई, सालासर धाम का दरवाजा आ गया अपने सामने। तो यहाँ से सालासर है 44 किलोमीटर। तो ये देखो कितना प्यारा व्यू है, ये रोड बना दी है नहीं है। अच्छा, पहले जब अपन छोटे थे चलते थे ना, तो खड्डे 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 वाले। तो अभी आगे फिर गांव आएगा इसका मतलब, जब अपने उसके अंदर से जाएंगे। एक ही तो रोड जाती है सालासर को ना। ये पहाड़ बहुत सुंदर है, क्या मस्त, मतलब सीनरी टाइप का व्यू आ रहा है ना। मौसम वापिस से ठंडा हो गया, मस्त धूप चली गयी। सालासर 31 किलोमीटर रह गया। तो ये आ गया अपना लास्ट टोल प्लाजा, अब चलते हैं सीधा सालासर को, बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हर घर पे झंडा लगा हुआ है ना, जिस हिसाब से यहाँ पे रोड पे इतनी गाड़ियाँ आ जा रही है ना और इतने लोग जा रहे हैं, तो लग रहा है वहाँ बहुत भीड़ होने वाली है। फाइनली बेल्ट से छुटकारा मिला, आ गया साला सर, अब चलते हैं दर्शन करके आते हैं, पर मुंह धोने गया। तो गाइस अभी गाड़ी तो पार्क कर दी, अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलो जी, तो अभी लेते हैं प्रसाद, उसके बाद चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। प्रसाद लेते हैं बस, अभी प्रसाद लेंगे। तो मंदिर आ गया गाइस, चलो पहुंच गए मंदिर। चप्पल उतार दे यहाँ पे। यहीं से लेंगे प्रसाद। अभी लाइन में लगना पड़ेगा, भीड़ होता आ जय श्री राम।
अच्छे से दर्शन हो गए। बस तो काफी भीड़ थी, बट इतना पता नहीं लगा, जल्दी से दर्शन कर लिए हमने, इतना पता नहीं लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जा रहे हैं जूते लेने वापस। भैया झंडा ले रहे हैं। अभी दर्शन तो कराया, अभी है मार्केट में। भीड़ में मैं छोटा पड़ता तो इसलिए मैं व्लॉग बनाता नहीं हूँ, और भीड़ से अपन आ गया बाहर तो व्लॉग अब मैं कंटिन्यू करूंगा, वो तो ही तुम्हारी ड्यूटी। कहाँ जाना है? अरे यार कार में सीधा, कार में चलेंगे। ले मैं तो व्लॉग बनाने लगा था। अब चल रहे पार्किंग के लिए, पार्किंग स्लॉट से अपनी कार लेते हैं। हमारी कार इसके पीछे खड़ी है। गर्मी बहुत है ना यार भाई, ये पार्किंग एरिया यहाँ पे सारी कार्स पार्क होती है। अब चलें। जय श्री राम। तो अब अपन चल रहे हैं अंजनी माता मंदिर, चलो चलते हैं। अब अपन पहुंच गए हैं अंजनी माता मंदिर, तो चलो वहाँ चलते हैं। चलो अंदर चलें। अब दर्शन कर रहे हैं अपन अंजनी माता मंदिर में भी, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो अब अपन जा रहे हैं दूसरे मंदिर जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। मैप पे तो 100 किलोमीटर दूर ही दिखा रहे हैं, तो वो मंदिर मैं बताऊंगा नहीं कौन सा है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो बस इतना ही आज के लिए, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो, आप सबने भी हमारे साथ दर्शन कर लिए हो। लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।